Good afternoon all. Hello. Hi guys, how are you all? Hello Kunal. Okay, nice to see you all here. Okay guys, quickly join me. It's 3 o'clock and we are starting with nothing but our NEET 2020 course again. Wonderful. So see you. Okay, so guys jaldi se join kar lo. Hi Ila. Okay Purna. Hello Purna. Perfect. सो गाइज ज्वाइन क्विकली कॉल योर फ्रेंड्स एज वेल. जल्दी से अपने फ्रेंड्स को लिंक भेज दो, वो भी हमारे हमें ज्वाइन कर लेंगे. तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर टॉपिक. वी हैव स्टार्टेड विद एनिमल टिश्यू, राइट? तो हम नीट 2020 का अभी कर रहे हैं, है ना, क्रैश कोर्स. सो हम क्या करते हैं, 3 बजे एनसीईआरटी डिकोड करते हैं, राइट? पूरा एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं और उसी को मैं एक अलग फॉर्म में भी आपको समझाती हूँ. तो हम वही करने वाले आज यहाँ पे. हाँ जी बिल्कुल हिमांशु, सब बता दूंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है? ओके हाई अंशु, हाई ओके Hi Idrisi. Okay, nice to see you all here. Perfect. Good afternoon to you all. Wonderful. Chalo. Yes, Himanshu, I'll tell everything at the end of the lecture. I have to start with the lecture first. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने एनिमल टिश्यू शुरू किया था, तो हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, हमने मस्क्यूलर टिश्यू पढ़ लिया, अब हम न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो इसका पूरा डिटेल्स में मैं आपको समझा दूंगी, वही समझाऊंगी जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? So let's start with our topic today. Okay, hello Nahida, hello Jasmine. Okay, nice to see you all here. Wonderful. Okay, perfect. So I'm going to start with the topic. Before I start, I welcome you all heartily to my channel, to our channel, in fact, that is Neat Voyage on the platform of An Academy. And I am Swagata Mukherjee. You all know me already, those who are new. I again introducing myself. I am Swagata Mukherjee. I have more than 5 years of experience in teaching field. I have taught in major offline institutions of India, and I have also worked as a JRF in IISc Bangalore. I have done research there, and I have also produced results in AFMC, in IISER Pune, and in major MBBS colleges of India. Okay, so hello Shomi, hello. Okay, nice to see you all here. परफेक्ट. सो अभी तक अगर आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ. आज भी आपका एक स्पेशल क्लासेस है 5 o'clock, राइट? आई टोल्ड यू कि आज मैं लूँगी, है ना, आपका एक स्पेशल क्लास. यूजुअली मैं ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा स्पेशल क्लासेस लेती हूँ और टाइमिंग मोस्टली 5 o'clock होता है, ठीक है? तो आई विल सी यू एट 5 o'clock, ठीक है? क्यों होता है, क्यों आना है आपको? ऑब्वियसली वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही होती है, वहाँ पे आप मुझसे बेटर इंटरेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे हमेशा कमेंट्स में नहीं देख पाती हूँ मैं. ओके हेलो दमे थमेश, हेलो कौशल. ओके हमेशा मैं देख नहीं पाती हूँ आपको, है ना, यहाँ पे कमेंट्स में ऊपर चले लगते हैं, तो आपके क्वेश्चन के जवाब भी मैं कभी नहीं दे पाती हूँ, ऊपर चले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं. तो वहाँ पे अगर आप आओगे, वहाँ दो अलग अलग सेक्शन है, ठीक है? एक क्वेश्चन का सेक्शन है और एक चैट बॉक्स भी है. तो आप उसमें क्वेश्चन अगर चाहो तो अपनी क्वेरीज डाल सकते हो. ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू आउट देयर, ठीक है? तुरंत का तुरंत मैं आपको क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी. और क्यों आना है, वहाँ पे लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू वहीं तुरंत दिए आपको सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे एक वीडियो प्लेयर आप देख रहे हो, ABCD ऐसे ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, जो करेक्ट ऑप्शन है आपको ऐसे लीडर बोर्ड मिलेगा, ठीक है? तो वो ऑब्वियसली बहुत कॉम्पिटिटिव होता है और आपकी तुरंत नॉलेज के साथ साथ आप एप्लीकेशन भी हो जाता है नॉलेज की, है ना? एंड फिर टेस्ट सीरीज होते हैं, तो आप खुद टेस्ट देके आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, आपको पता चलता रहेगा कि कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट? एंड देन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको डाउट तो आएगा ही. हेलो ओके हेलो संदीपन, नाइस टू सी यू ऑल हियर, गुड आफ्टरनून. ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के. और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कुछ इजी से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. जस्ट गो टू गूगल प्ले एंड जस्ट टाइप अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड इंस्टॉल इट. वंस यू हैव इंस्टॉल इट, फॉर फ्री क्लासेस एंड स्पेशल क्लासेस यू डोंट हैव टू पे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आज एक स्पेशल क्लास है बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ, 5 बजे, ठीक है? वहाँ पे हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का जो ग्लैंड्स पढ़ रहे थे ना, वो मैं कंटिन्यू करूंगी. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उनके सिक्रीशन, एवरीथिंग आई विल टेल देम. ओके फंक्शन भी बताऊंगी. प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो बहुत ही अफोर्डेबल है. जस्ट प्लस में क्लिक कीजिए, नीट यूजी पे क्लिक कीजिए, गेट द सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन भी बहुत अफोर्डेबल है, जैसे कि मैंने बोला. फॉर एग्जाम्पल सपोज आप, जैसे नीट 2020 का बैच है ये, राइट? तो आपको इसी साल अपियर होना है, तो आप इन तीनों में से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी 1 month का, 3 months का, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज फॉर नथिंग बट दोज हु आर रिपीटर्स, ओके रिपीटर्स, है ना?
और 12 months फॉर एग्जाम्पल जो 12th में है और एक साल बाद वो नीट देने वाले हैं, तो वो एक साल का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। उसके लिए जस्ट आपको 2500 पर मंथ देना पड़ेगा, तो बहुत ही अफोर्डेबल है वो। और अगर आप 11th में हो, 2 साल बाद आप नीट में अपियर करने वाले हो, दैट इज नीट 2022, तो आप जस्ट ये 2 साल वाला ले सकते हो 24 months का, उसका और भी कम है। यू जस्ट हैव टू पे 1500 पर मंथ, ठीक है। हेलो, नमस्ते दिव्या, ओके। हाँ जी बेटा, शॉमी फीनिक्स बैच यूजुअली जूलॉजी का मैं मंडे और थर्सडे लेती हूँ 2 बजे से, 2 बजे दोपहर को, 2 PM आई टेक फीनिक्स बैच ऑन अन अकेडमी नीट चैनल मंडे एंड थर्सडे, ओके परफेक्ट। इससे भी आपका कम हो जाएगा, आपकी जो अमाउंट है, अगर आपने जो मेरा नाम है स्वागता SWAGATH सिंपल नेम, जस्ट अप्लाई दिस नेम एज अ कोड एंड यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ, ओके 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, आपको पता है कि हम लोग टेलीग्राम ऐप में भी है, तो मैं फिर से एक बार जो लोग नए हैं उनको ये लिंक दिखा दे रही हूँ, तो प्लीज जस्ट ऐड दिस लिंक, और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो जस्ट ज्वाइन द ग्रुप। वहाँ पे वी कीप ऑन पोस्टिंग आर लेक्चर्स, लाइक कौन सा लेक्चर कितने बजे लेने वाले हैं, राइट, टॉपिक क्या है, एवरीथिंग, ठीक है, ओके परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू अवर टॉपिक, दैट इज न्यूरल टिश्यू। तो आज हम पूरा न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू डीकोड एनसीईआरटी एज वेल। तो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, मैं एनसीईआरटी का पूरा पिक्चर यहाँ पे लगा देती हूँ और साथ साथ में मैं अपने तरीके से भी उसको समझाती हूँ। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का लाइन, आपको देख के पता चल रहा होगा, ये आपके एनसीईआरटी की जानी पहचानी बुक है, सबके पास है ना, 106 पेज के ऊपर, एक्चुअली 105 और 106 दोनों आधा आधा है। यहाँ पे इतने ही छोटे से पार्ट में आपकी न्यूरल टिश्यू लिखी हुई है, ठीक है, बट क्वेश्चन भी आता है, तो इन चीजों को हम डिकोड करेंगे, ठीक है जी, बढ़िया, ओके परफेक्ट परफेक्ट वंडरफुल, ओके। हाँ जी हाँ जी, एवेंजर्स गेमर्स, दिस इज बैच 2020, यस करें, यस यस राइट। हाँ जी चलो, तो शुरू करें हम। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूरल टिश्यू हियर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो उन्होंने क्या बोला है, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन। कुछ नहीं, आपको बस इतना जानना है कि एक न्यूरॉन या न्यूरल टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या है। कोई भी न्यूरल टिश्यू की प्रॉपर्टी है कि वो एक्साइटेबल है, एक्साइटेबल मीन्स वो इंपल्स क्रिएट या जेनरेट कर सकता है, तभी आपकी बॉडी की सारी फंक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्लेक्सिंग माई आर्म, आई एम टॉकिंग, या फिर मेरी जो हार्ट बीट कर रही है, या सपोज कुछ भी मूवमेंट हो रही है आपकी, इन सब के लिए न्यूरॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल है। सपोज मैं जो ये स्केलेटल मसल को मूव कर रही हूँ, फ्लेक्स कर रही हूँ, ये भी सिग्नल ऑब्वियसली दिस इज अंडर माई ओन विल, बट कौन सिग्नल दे रहा है, आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोलेगा, तभी मैं इसको मूव कर पाऊंगी, ठीक है। हाँ जी नहीं बेटा मनु, हमारा टाइम टेबल बन चुका है एंड आई कॉन्ट चेंज इट, बिकॉज दूसरे एजुकेटर्स का भी क्लास होता है ना, तो उनके साथ ओवरलैप हो जाएगा, सो आई कॉन्ट डू दैट, ठीक है, ओके। हेलो सुहास, नाइस टू सी यू हियर, हेलो राम, ओके परफेक्ट, ओके हेलो मनु, फाइन, डू यू अंडरस्टैंड। तो सब चीज के लिए न्यूरोन ही एक्साइटेबिलिटी क्रिएट करती है, डू यू अंडरस्टैंड। अब हम इसको मैं अभी आगे बढ़ा रही हूँ, आगे बढ़ा के हम देखेंगे, विल कम बैक टू द एनसीईआरटी, ठीक है। पर हमें पहले ये देखना है कि जो न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, इट्स अ टिश्यू राइट, सो इट इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, नॉट ओनली न्यूरॉन्स। जैसे आप नर्वस टिश्यू देखते हो, आपके दिमाग में क्या आता है कि न्यूरॉन्स, सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं है, और भी बहुत कुछ होते हैं। सो इट इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी ये सेल्स है, ऑब्वियसली आपके न्यूरॉन्स है, कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स है, कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है। तो मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन है जिसकी, ठीक है, आपकी जो एंटायर नर्वस सिस्टम है, जैसे आपकी ब्रेन हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, न्यूरॉन्स हो गई, नर्व्स हो गई, सारी एक्टोडर्मल ओरिजिन है। मसल और कनेक्टिव हमने क्या पढ़ा था, दोनों मीसोडर्मल ओरिजिन था, ठीक है परफेक्ट। हाँ जी ओके, नाउ हमें ये देखना है कि ये न्यूरॉन्स क्या है, तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल हम पढ़ेंगे। सो न्यूरॉन्स में कुछ पार्ट्स होते हैं, इट इज कम्पोज ऑफ नथिंग बट एक साइटोन होती है उनकी, जिसको हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं। इन सब का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, जिसको हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं, या फिर सोमा बोल सकते हैं, या फिर वी कैन कॉल इट अ सेल बॉडी, ठीक है, ये उसका सेल बॉडी है। और न्यूरॉन का एक और पार्ट है, दैट इज नथिंग बट न्यूराइट्स, ठीक है,
तो साइटोन होते हैं और न्यूराइट्स होते हैं, ये दोनों आपके न्यूरॉन के पार्ट है। न्यूरॉन एक सिंगल सेल है, उसका ये पार्ट है। तो न्यूराइट क्या है? न्यूराइट इज नथिंग बट दे आर अगेन हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूराइट्स होते हैं। न्यूराइट्स वो होता है जो आपके, फॉर एग्जाम्पल, न्यूराइट्स आर नथिंग बट दे आर दी स्ट्रक्चर, और यू कैन से द पोल्स, स्ट्रक्चर और पोल्स, पोल्स अराइजिंग arising from cyton, cyton से कुछ pole like structure arise होते हैं। Hello Siddharth, okay, fine, wonderful. So दो poles होते हैं, एक तो वो एक dendron हो सकता है, single एक dendron हो सकता है, या बहुत सारे dendrites हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका axon, axon usually एक single ही होता है pole, हमेशा। डेंड्रॉन जो है वो एक सिंगल डेंड्रॉन हो सकता है या बहुत सारे डेंड्राइट्स हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका न्यूरॉन एक सेल है जो आपके नर्वस टिश्यू में मिलता है। ऐसे न्यूरॉन के अलावा न्यूरोग्लियल सेल्स भी मिलते हैं और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी मिलते हैं। तो इन सबके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ नथिंग बट न्यूरॉन, ओके। सो आई एम गोना शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। तो आप बचपन से देख रहे हो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सबने पढ़ा होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, है ना? परफेक्ट, ओके। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके न्यूरॉन के दो पार्ट्स है, एक आपका क्या है, सेल बॉडी। तो ये जो आपको दिख रही है, दिस इज नथिंग बट द सेल बॉडी। सेल बॉडी को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज वॉट, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज साइटोन, राइट, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज साइटोन, ओके, परफेक्ट। नाउ this cell body contains nothing but a nucleus, so you can see the presence of nucleus here, okay. to nucleus ke andar aap sorry aapke neuron ke andar jo cytoplasm hai usko hum neuriplasm bol sakte hain, right, kya bol sakte, we can call it as neuriplasm, okay. suppose this thing here is nothing but your neuriplasm, and the plasma membrane of a neuron can be called as a neurilemma, okay. so this particular plasma membrane can be called as, ek minute just a second, ye let's not confuse this with your dendrite, okay. perfect. so this is nothing but your neurilemma, okay, that is the plasma membrane. just like we have used the word sarcolemma and sarcoplasm in case of muscle tissue, right, okay. yes, Himanshu, ependymal cell is a part of your neuroglial cell. I'll explain neuroglial and neurosecretory both, okay, so don't worry. hello Rashita, nice to see you here, okay, perfect. now so this is the neurilemma, that is the plasma membrane, and neuriplasm is the cytoplasm, okay, cytoplasm of the entire neuron, okay. now these are nothing but the dendrites, so you see the dendrites here, okay, that are the processes. ye processes kahan se arise ho rahi hai, aapki cyton se arise ho rahi hai, right. so these are nothing but your dendrites, क्योंकि बहुत सारे dendrites हैं यहाँ पे, सिर्फ एक dendron नहीं है, बहुत सारे processes निकल रही है आपकी cyton से, cyton के head से, और आपके cyton के एक और end में जो सबसे बड़ा एक pole arise हो रहा है, एक ही है, वो single है, उसको हम क्या बोलेंगे, we are going to call this as nothing but your axon, okay. जहां से आपका axon arise हुआ, this particular area यहां से arise हुआ है, we are going to call it as axon hillock, okay, axon hillock, ठीक है, हाँ जी, perfect, okay. hello आलोक, wonderful. so this is called as your axon hillock, right, जहां से आपकी axon arise हुई है cyton से. now आपके axon का ये एंड है, सो दिस पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपकी एग्जॉन खत्म हो गई है, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज योर एग्जोनल टर्मिनल, ठीक है, जहां पे आपकी एग्जॉन एंड हुई है. ये एग्जॉन जहां एंड हो रही है, वहां पे एग्जॉन की बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही है, सो कैन यू सी द ब्रांचिंग ऑफ द एग्जॉन, ये एग्जॉन एंड हुई, वहां से बहुत सारे ब्रांच निकल रहे हैं. इन एक एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टीलो डेंड्रिया, ओके, बहुत सारे को हम एक साथ बोलते हैं टीलो डेंड्रिया, सो दे आर नथिंग बट द टेल्स ऑफ द एग्जॉन, गॉट इट, समझ में, ओके. हेलो श्रेया, हेलो ध्रुव, नाइस टू सी यू ऑल हियर. सो एग्जॉनल टर्मिनल इज द एंड ऑफ द एग्जॉन, जहां से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रही है, आपको दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टीलो डेंड्रिया. सो टीलो डेंड्रिया एंड्स विथ नथिंग बट दिस, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी, वी कॉल इट एज नथिंग बट एग्जॉनल नॉब,
क्या बोलते हैं? एक्सोनल नॉब. ओके, ये एक्सोनल नॉब फिर एक साइनैप्स क्रिएट करती है विद द नेक्स्ट न्यूरॉन. एक और न्यूरॉन के डेंड्राइट या साइटोन के साथ वो साइनैप्स क्रिएट करती है. तो हम साइनैप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने तरह के साइनैप्स है ना, ऑल दिस थिंग्स. हम ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 11th पे जो चैप्टर है टूवर्ड्स दी एंड, उसमें हम पढ़ते हैं इसको डिटेल्स में. अभी हम फिलहाल टिश्यू में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं. हेलो अथर्व, ओके वंडरफुल, नाइस टू सी यू ऑल हियर. ठीक है, अब हम अंदर क्या प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज द एक्सोप्लाज्म या न्यूरीप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो आपको बहुत सारी कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रही होगी, है ना, मैंने अलग अलग कलर से बनाए हैं अंदर, वो क्या है तो चलो बात देख लेते हैं वो क्या है. तो सबसे पहले आपको ब्लू कलर की कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रही है यहाँ पे, है ना, ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है ना इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपकी यहाँ पे दिखेगा अगर मैंने बनाया लिखा तो, वेट मुझे लगता है मेरे पीछे आ जाएगा, लेट मी जस्ट राइट दिस, एक मिनट, हाँ मैं लिख रही हूँ, आई जस्ट शो ऑल दिस पोजिशन. सो दिस इज कॉल्ड एज योर निसल्स ग्रेन्यूल्स. कैन यू गाइस सी व्हाट आई हैव रिटन और इज इट कमिंग बिहाइंड माय बैक, पीछे दिख रहा है क्या? ओके परफेक्ट, हाँ जी अथर्व, आई टेल यू व्हाट आर निसल्स ग्रेन्यूल्स, आई टेल यू एवरीथिंग. दे आर कॉल्ड एज निसल ग्रेन्यूल्स और निसल्स बॉडी. कैन यू गाइस सी दैट और इज इट बिहाइंड माय बैक? ओके परफेक्ट, ओके सही है, थैंक यू राहुल, ओके थैंक यू एवरीवन. हाय शकुंतला, नाइस टू सी यू हियर. सो दिस निसल्स ग्रेन्यूल्स ये क्या है, तो मैं आपको इधर, एक मिनट यहाँ जगह नहीं है, एक मिनट इधर ही लिख के दिखाती हूँ. ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है, आई गो बैक टू दैट. ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ निसल्स बॉडीज या निसल्स ग्रेन्यूल्स. ये क्या है? दीज आर नथिंग बट योर राइबोसोम्स. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, हाँ जी ओके. यस यस जुहाद, वी डू हैव टेलीग्राम ऐप और टेलीग्राम ऐप के ग्रुप का मैंने आपको लिंक दिखाया भी था शुरुआत में, जब मैंने क्लास शुरू किया था उसमें मैंने शो कर दिया था. ठीक है जी, परफेक्ट, ओके. सो निसल्स बॉडीज आर नथिंग बट दे आर राइबोसोम्स. ठीक है, मॉडिफाइड राइबोसोम्स. एंड ये इट गेट स्टेन्ड वेरी डार्क, जब हम न्यूरोन को स्टेन करते तो इट गेट स्टेन्ड वेरी डार्क, सो डार्कली स्टेन बॉडीज दिखती है. ये राइबोसोम्स का काम क्या है? इनका काम है नथिंग बट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइट. नॉर्मली हम आपने पढ़ा होगा ना बॉटनी में, जब सेल के ऑर्गेनल्स के वगैरह में आपने पढ़ा है ना, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सो दे डू सिंथेसाइज सर्टेन प्रोटीन्स जो न्यूरॉन को सर्वाइव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जरूरत है. ठीक है, तो निसल ग्रेन्यूल्स क्या कर रहे हैं? वो राइबोसोम्स है, वो कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं विच प्रोवाइड नरिशमेंट एंड सपोर्ट टू दिस एंटायर न्यूरॉन. Do you understand? उनके डेवलपमेंट में न्यूरॉन के नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए वो प्रोटीन्स जरूरी है. ठीक है, समझ में आया? हाँ जी परफेक्ट, हेलो शिखा, ओके वंडरफुल. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब निसल्स ग्रेन्यूल्स के अलावा आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये रेड वाली स्ट्रक्चर दिख रही होगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. ये रेड वाली स्ट्रक्चर इज नथिंग बट योर न्यूरोफाइब्रिल्स. दीज आर नथिंग बट योर न्यूरोफाइब्रिल्स. एक मिनट मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, ठीक है, ताकि दिखे. हाँ जी, तो मैं ये थोड़ा नीचे लिखती हूँ. हाँ ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर न्यूरोफाइब्रिल्स. ओके, ये न्यूरोफाइब्रिल्स का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड देखो, न्यूरोफाइब्रिल्स सिर्फ साइटोन में नहीं है. ये रेड कलर का आपको दिख रहा है कि ये देखो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में भी है ना, सिर्फ आपके साइटोन के साइटोप्लाज्म में नहीं है, पूरे न्यूरॉन में फैला हुआ है. बट निसल ग्रेन्यूल्स कहाँ दिख रहे हैं आपको? सिर्फ साइटोन और थोड़ा बहुत डेंड्राइट्स में दिख रहे हैं आपको. डू यू अंडरस्टैंड? तो साइटोन निसल ग्रेन्यूल्स आर कन्फाइंड टू साइटोन एंड डेंड्राइट्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एक्सॉन. समझ में आया ये? ठीक है परफेक्ट. कुलदीप, ओके आई जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ कि फिनिक्स बैच क्या है अनएकेडमी नीट में. फिनिक्स बैच है उनका जिन्होंने एक बार नीट दे चुके हैं बट उनका क्रैक नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो उनको हम दोबारा हेल्प कर रहे हैं, दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उनकी इस बार अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक हो जाए. ठीक है, नीट. तो फिनिक्स इज जस्ट लाइक ड्रॉपर्स बैच जिसको हम बोलते हैं ना, उसका ही हमने नाम फिनिक्स दिया हुआ है. क्यों? फिनिक्स इज नथिंग बट अ बर्ड, एक माइथोलॉजिकल बर्ड है, इट्स नॉट अ रियल वन. तो वो बर्ड जब लाइक व्हेन इट डाइज इट बर्न्स टू एशेस, और उनकी ऐश से फिर बेबी बर्ड
राइज करता है, फिर से बेबी बर्ड बर्थ लेता है एंड दिस टाइम मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो वही कॉन्सेप्ट है कि ताकि आप जब दोबारा देने जाओ, क्योंकि एक बार आपका क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ, नाउ यू आर मच मोर स्ट्रॉन्गर, नाउ यू आर मच मोर प्रिपेयर्ड देन बिफोर। ठीक है बेटा, समझ में आया? परफेक्ट परफेक्ट वंडरफुल। सो नाउ न्यूरोफाइब्रिल्स का काम क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूरोन। ठीक है, न्यूरोन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन देता है? हमारे बोन्स, हमारे एंडोस्केलेटन। वैसे ही न्यूरोफाइब्रिल्स इस पूरे न्यूरोन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आपको थोड़ा लाइट ग्रीन कलर के भी कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो आपके साइटोन में भी प्रेजेंट है। ये देखो, साइटोन में भी प्रेजेंट है, आपके एक्सॉन में भी प्रेजेंट है और थोड़े बहुत आपके टीलोडेंड्रिया में भी प्रेजेंट है, मतलब एक्सॉनल टर्मिनल में भी प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज, यहाँ लिख रही हूँ, वी कॉल दिस एज माइक्रोटिब्यूल्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर माइक्रोटिब्यूल नहीं हुआ तो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है। आपको पता है यूजुअली एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ होती है? साइटोन में। ठीक है, साइटोन से वो फिर पास्ट ऑन होती है एक्सॉन से, एक्सॉन से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में चली जाती है। ठीक है, मैं एनिमेशन भी आपको शो करूंगी ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हाँ जी कुणाल, ये आपका एक सिंगल न्यूरॉन है। ठीक है, एक सेल है जो आपके नर्व टिश्यू में मिलता है, न्यूरल टिश्यू में। न्यूरल टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन नहीं, और भी बहुत सारे सेल्स है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है आपके, फिर आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स है। इन सब के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगी, अभी फिलहाल हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू पी स्प्रेडर, थैंक यू सो मच। ओके कुलदीप, दिस इज फॉर 2020। ओके ओके वन, थैंक यू सुहास, वंडरफुल परफेक्ट। सो हैव यू गाइस गॉट दिस? नाउ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स, और इफ आई थिंक द बेटर वर्ड वी यूज फॉर न्यूरॉन्स हियर इज ट्रांसमिशन। सो लेट्स यूज द वर्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, सो लेट्स यूज द वर्ड ट्रांसमिट। सो इट ट्रांसमिट्स इंपल्स फ्रॉम साइटोन टू द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल तक ये ले जाता है। तो इसीलिए वो देखो साइटोन में भी प्रेजेंट है, एक्सॉन में भी प्रेजेंट है, वो लेके जा रहा है इसको एकदम एंड तक, फिर यहां से ये दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का काम है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट है तो यहां पे जनरेट होकर यहीं खत्म हो जाएगा इंपल्स, मतलब आपका बॉडी कभी कोई जिंदगी में कुछ काम करेगा ही नहीं। न्यूरॉन्स का चेन ही तो बंद कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसके अलावा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के ऊपर, सच एज ये रेड कलर के सेल्स दिख रही हैं आपको, ये रेड कलर की जो सेल्स है उसकी न्यूक्लियस भी दिख रही है आपको, ये रहा न्यूक्लियस, इस सेल का ये पूरा का पूरा दिख रहा है हमने ना। ये सपोज आपका न्यूरॉन, ये सपोज आपका न्यूरॉन है, इसको मैंने ना ऐसे कट किया है और दिख रही है, सपोज आपका साइटोन है या आपके डेंड्राइट्स है या आपका एक्सॉन, और इमेजिन करो कि यहाँ पे टेलोडेंड्रिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे कट किया है तो ऐसे दिख रहा है आपको। इसके ऊपर कुछ ऐसे, मैं क्या दिखाऊं, कुछ है भी नहीं मेरे पास। ओके, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती है, इसको ऐसे पकड़ी हुई होती है कुछ सेल्स। ठीक है, तो दोनों साइड से दिख रही है आपको ये सेल, ये रेड कलर की जो सेल दिख रही है, समझ में आ रहा है आप सबको? थैंक यू आलोक, ओके थैंक यू विवेक, वंडरफुल। कैन यू सी दिस हियर? ये आपकी एक सेल है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शॉन सेल। शॉन सेल ने क्या किया हुआ है, पूरे आपके न्यूरॉन के एक्सॉन को ऐसे सराउंड किया हुआ है, थोड़ा सा गैप भी है उनके बीच में, तुम्हें दिख रहा है मेरे हाथ के बीच में मैंने गैप रखा हुआ है, ये गैप भी है। गैप रखना जरूरी है क्योंकि इसी गैप में वो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो आपकी ये जो रेड वाली दिख रही है ना, ये आपकी है शॉन सेल्स। ठीक है, ये आपकी है शॉन सेल, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम तो मैं लिख देती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज योर शॉन सेल। ठीक है, शॉन सेल का ये एक शॉन सेल हो गया, दूसरा शॉन सेल हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे बहुत सारा होता है। ये शॉन सेल क्या होता है, क्या करता है कि कभी कभी इट रिलीजेस, ये जो येलो कलर का अंदर दिख रहा है आपको, ये दिस इज नथिंग बट योर माइलिन शीट, इट प्रोड्यूसेस माइलिन शीट। प्रोड्यूस करता है मतलब किसी चीज की तो बनी हुई होगी, किस चीज की बनी हुई है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? ओके थैंक यू संदीपन, वंडरफुल। सो ये किस चीज की बनी हुई होती है? बनी होती है आपके लिपिड लेयर। सो दिस इज अ लिपिड लेयर, बहुत सारे लिपिड लेयर्स होते हैं। एक लिपिड, देखो मैंने लेयर्स में बनाया है, एक लेयर दो लेयर ऐसे करके बहुत सारे लिपिड लेयर होते हैं।
कभी कभी माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, कभी कभी वो नहीं करते हैं। जब उन्होंने माइलिन शीट किससे बना हुआ है, प्लीज ये देख लो, लिपिड लेयर से, वो लिपिड से बना हुआ है, ठीक है। अब जिसमें उन्होंने माइलिन शीट बनाई उसको हम क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, ये माइलिनेटेड। तो इन दोनों में से ये आपका माइलिनेटेड है, ठीक है, ये आपकी माइलिनेटेड है और ये क्या है आपकी नॉन माइलिनेटेड। बट इन ऐसा नहीं है कि इनमें शॉन सेल प्रेजेंट नहीं है, इनमें भी शॉन सेल प्रेजेंट है बट उसने माइलिन शीट बनाई नहीं है, माइलिन शीट उसने प्रोड्यूस किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो इसका खासियत क्या है, जब माइलिन प्रेजेंट होता है तो आपकी जो एक्शन पोटेंशियल जब ट्रैवल करती है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, खाली जगह पे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी एंड सो ऑन, ऐसे जंप करती है, इसको हम सॉलिटरी मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, ओके, इसको हम सॉलिटरी मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो जगह आपको दिख रही है ना बीच में, दोनों शॉन सेल्स के बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस जगह में यू कैन नॉट सी द माइलिन शीट, दिस एरिया ऑफ द एक्सोलेमा और द न्यूरीलेमा इज नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीट। सो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल दैट एरिया एज नथिंग बट योर नोड्स ऑफ रणवीर। सो दिस थिंग हियर, दिस थिंग हियर, यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, तो ना मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रणवीर। तो नोड्स ऑफ रणवीर क्या है, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, मैंने रणवीर लिखती है, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रणवीर। तो रणवीर का काम क्या है और जगह क्या है, वो एक्चुअली उस एरिया का काम क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ। सो नोड्स ऑफ रणवीर इज अ रीजन, ये क्या है, इट्स अ रीजन ऑफ द एक्सोलेमा, या आप न्यूरीलेमा भी बोल सकते हो, ठीक है, न्यूरीलेमा भी आप बोल सकते हो, न्यूरीलेमा which is not surrounded by myelin sheath, ठीक है। तो myelin sheath नहीं है तो insulated नहीं है, तो कैसे आपकी jump करेगी action potential। so I'm going to play an animation here, तो just see the animation, can you see the blue color light passing, I'm going to play it again। तो आप लेफ्ट साइड वाले न्यूरॉन, दैट इज आपकी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और माइलिनेटेड न्यूरॉन में डिफरेंस देखो कि कितनी फास्ट एक्शन पोटेंशियल कहाँ जा रही है और कहाँ पे स्लो जा रही है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये सब चीजें भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी ये देख लो, यही चीज काम आएगा वहां पे, मैं फिर से वहां भी समझाऊंगी आपको। सो ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइट नहीं पास हो रही है ब्लू कलर की, इमेजिन करो वो एक्शन पोटेंशियल है। सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस अगेन, सो सी कितना फास्ट जा रही है माइलिनेटेड से, है ना, कितना फास्ट जा रही है आपकी माइलिनेटेड से, लेकिन आपकी कितनी स्लो जा रही है नॉन माइलिनेटेड से। गॉट इट, समझ में आया सबको? यस, इट विल जंप फ्रॉम वन नोड्स ऑफ रणवीर टू नेक्स्ट नोड ऑफ रणवीर, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड अ सॉलिटरी मूवमेंट, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। इसी चीज को अगर इस डायग्राम में नहीं समझ में आया तो इसमें समझो, यहां भी मूवमेंट ऑफ इम्पल्स मैंने शो किया है, तो इसमें जो मूवमेंट ऑफ इम्पल्स है ये आपकी एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ठीक है। सो दिस इज योर माइलिनेटेड न्यूरॉन और ये वाला आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट योर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ओके, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो हम देखते हैं कि कितनी जल्दी आपकी इम्पल्स पास डाउन हो रही है। हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में और भी एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो जस्ट सी द फर्स्ट वीडियो हियर, आई एम गोइंग टू प्ले द फर्स्ट वीडियो। तो सी, देखो कितनी फास्ट गई ना, एक नोड्स ऑफ रणवीर से एक नोड्स ऑफ रणवीर। ये जो आपको यहाँ दिख रही है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपको दिख रही है ये आपकी माइलिन शीथ है, ठीक है, ये भी आपकी माइलिन शीथ है, ये एक बलून के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है, ये आपकी न्यूरॉन है। तो यहाँ पे देखो कैसे जा रहा है एक्शन पोटेंशियल, आई एम प्लेइंग इट अगेन, देखो जंप हो रही है एक माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ, दूसरे वाले में देखो नॉन माइलिनेटेड में कैसा हुआ है, कितना धीरे धीरे जा रहा है, कितना टाइम लगा। तो ये वीडियो को देखो, ज्यादा टाइम लगा ना प्ले करने में, उसको देखो कितना जल्दी खत्म हो गया था, कितना स्लो जा रहा है, क्योंकि माइलिन शीट नहीं है इंसुलेट करने के लिए, तो वो पूरे में स्प्रेड होती हुई जाएगी। यहाँ इंसुलेटेड है तो एक से दूसरे में वो जंप करेगी, सारे क्यों जंप कर रही है, कैसे कर रही है, सब कुछ हम लोग एक्शन पोटेंशियल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, परफेक्ट, यस, वंडरफुल, परफेक्ट, yes, right, right, correct. So have you understood this? Do you want me to play the animation again? एक बार फिर से देख लो आपकी first वाली कितनी fast end तक चली गई, end मतलब आपकी axon terminal तक चली गई, इसमें देखो कितना time लग रहा है,
जाने में कितना टाइम लग रहा है, अभी तक गया ही नहीं एग्जॉन टर्मिनल तक. गॉट इट? ओके परफेक्ट. अब हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. तो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो देख लिया. नाउ वी नीड टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन देयर शेप. ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, सारे मैंने आपको बताए किसका क्या फंक्शन है, सेल बॉडी का क्या फंक्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है, आपकी न्यूरोफाइब्रिल्स के क्या फंक्शन है, सारे आपको मैंने बता दिए. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करके वो दिखा दूंगी स्लाइड जहां मैंने डायग्राम बनाया है, ताकि आप एक बार उसको कॉपी कर लो या देख लो. ठीक है, ओके. अब हम उसके शेप के बेसिस पे पढ़ेंगे कि किस तरह के अलग अलग आपके न्यूरॉन्स होते हैं. तो एक न्यूरॉन का डायग्राम यहाँ बना हुआ नहीं है, तो मैं वो आपको बना देती हूँ. तो पहला एक होता है एपोलर. ठीक है, एपोलर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ साइटोन है. ठीक है, साइटोन है और साइटोन का ये न्यूक्लियस है, बट देर आर नो न्यूराइट्स. न्यूराइट्स मैंने क्या बोले थे, एक पोल जैसा स्ट्रक्चर जो आपके साइटोन से अराइज हो रहा है. यूजुअली एक एक्सॉन अराइज होते हैं, एक डेंड्रॉन या बहुत सारे डेंड्राइट्स अराइज होते हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एपोलर, क्योंकि इसमें नो न्यूराइट्स. ठीक है, नो एक्सॉन, नो डेंड्रॉन, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. तो ये कहाँ मिलता है आपको ऐसे एपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन? ये आपको मिलेगा आपके सीलेंट्रेट्स में. निडारिया और टीनोफोरा नहीं है, तो आपके सीलेंट्रेट्स में ये मिलता है. एग्जाम्पल इज सीलेंट्रेट्स. ठीक है, दूसरा आपका आया यूनिपोलर. तो इसमें देखो सेल बॉडी, दैट इज साइटोन है. ओके, सेल बॉडी है, ये आपकी साइटोन है या सेल बॉडी है, और सेल बॉडी एक ही नाम है. ठीक है जी, परफेक्ट. हाँ जी, वंडरफुल. सो सेल बॉडी से आपका सिर्फ एक पोल अराइज हो रहा है. इस पोल को हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल दिस पोल एज नथिंग बट दी एग्जॉन. सो दिस पोल इज योर एग्जॉन. गॉट इट? तो आपको यूनिपोलर किस में मिलती है? यूनिपोलर इज यूजुअली फाउंड, मैं यहाँ एग्जाम्पल यहाँ दिख नहीं रहा ना इस कलर से, रुको मैं ब्लैक कलर से लिखती हूँ. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है यूनिपोलर का? इट इज फाउंड इन नथिंग बट योर एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. हम जब एम्ब्रियो थे, हमारे पास यूनिपोलर ही थे सारे न्यूरॉन. ठीक है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों में ही ये आपको मिल, दोनों के एम्ब्रियो में ही आपको मिलती है. ठीक है, फिर आया आपका बाइपोलर. तो बाइपोलर में देखो आपका यहाँ पे एक डेंड्राइट, आपकी एक डेंड्रॉन निकली और यहाँ पे एक और पोल निकली जिसको हम एग्जॉन बोलेंगे. सो दिस विल बी योर एग्जॉन एंड दिस इज गोइंग टू बी द डेंड्रॉन. ओके, डेंड्रॉन, डू यू अंडरस्टैंड? तो यहां से इम्पल्स नीचे कैरी होगा, यहां भी यहां से नीचे, हमेशा टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, नेवर द ऑपोजिट. ठीक है, ओके परफेक्ट, यस करेक्ट करेक्ट, वंडरफुल, राइट. नाउ बाइपोलर कहाँ पे मिलती है? बाइपोलर यूजुअली मिलती है आपकी नथिंग बट रेटिना के एपिथीलियम में मिलेगी आपको. ठीक है, रेटिनल एपिथीलियम में मिलेगी, कॉक्लिया, इंटरनल ईयर, कॉक्लिया में मिलेगी, ऑल्फैक्ट्री लो एपिथीलियम में भी मिलती है ये. ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं ना यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, आई होप यहाँ दिखेगा. तो मैं बाइपोलर का एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ. बाइपोलर कहाँ पे मिलती है आपकी? रेटिनल एपिथीलियम. रेटिनल एपिथीलियम, तो प्लीज एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है. ठीक है, रेटिनल एपिथीलियम, ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम, ओके ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम एंड देन योर कॉक्लिया, ओके कॉक्लियर एपिथीलियम. ओके, इन तीनों जगह पे आपकी बाइपोलर मिलती है. फिर आया आपका स्यूडो यूनिपोलर. स्यूडो यूनिपोलर क्यों बोलते हैं? देखो ये आपका साइटोन था. ठीक है, साइटोन से एक पोल निकली थी तो यूनि था ना, बट ये पोल जाके बाद में बाइफर्केट हो गई, तो इसीलिए फॉल्स यूनिपोलर बोलते हैं. ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर दिखता, जैसे यहां तक दिखता है कि अच्छा एक ही तो पोल निकला था, बाद में ये पोल जाके दोनों बाइफर्केट हो जाती है दोनों साइड में. ठीक है, तो एक आपकी डेंड्रॉन बन जाती है और एक आपकी एग्जॉन बन जाती है. ठीक है, ओके, तो ये कहां पे मिलता है आपको स्यूडो यूनिपोलर वाला? स्यूडो यूनिपोलर आपको मिलता है आपकी डॉर्सल स्पाइनल रूट में. आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी जो डॉर्सल साइड की रूट है, मैं दिखाऊंगी आपको, उसमें ये मिलता है. ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल स्पाइनल रूट. ओके परफेक्ट, वंडरफुल. देन वी हैव द मल्टीपोलर. मल्टीपोलर कहाँ होता है ये देखो. मल्टीपोलर क्यों? कितने सारे पोल्स निकले दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे न्यू, ये इतने सारे डेंड्राइट्स है, एक डेंड्रॉन नहीं है, डेंड्राइट्स है आपकी, और एक एग्जॉन है. ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है आपकी? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मिलती है. ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द एंटायर PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. CNS में दो ही पार्ट आता है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड.
ठीक है ओके तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव हियर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. एक तो हमने शेप के हिसाब से पढ़ लिया, हमें फंक्शन के हिसाब से देखना है. ठीक है तो फंक्शन के हिसाब से यूजुअली आपकी तीन तरह की न्यूरॉन्स होती है, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होती है. ओके एक आपका हो गया सेंसरी न्यूरॉन, एक आपका हो गया इंटर न्यूरॉन, या फिर इसको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं. ठीक है रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका. तीसरा आपका हो गया मोटर न्यूरॉन. ओके इनका काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है कि इट ब्रिंग्स द इम्पल्स और ब्रिंग्स द सेंसेशन स्टिम्यूली फ्रॉम अ बॉडी और फ्रॉम अ रिसेप्टर. सपोज आपके आपकी सपोज ये फिंगर देखते हैं. ठीक है लेट्स इमेजिन ये आपकी फिंगर की जो स्किन है, दिस इज द रिसेप्टर. इसमें टच रिसेप्टर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल है, एक बर्निंग कैंडल है. सो आपने ये टच किया बर्निंग कैंडल, इमीडिएटली आपका रिएक्शन क्या होता है? हाथ को हटा लेना. तो कैसे हम हटाते हैं ये हाथ? ये ऑटोमेटिकली उड़ उड़ के तो नहीं हट रहा है आपका, यहाँ पे जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तभी मैं इसको हटा पा रही हूँ राइट. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट द सेंसरी रिसेप्टर विल सेंस द स्टिम्यूली. स्टिम्यूली कौन दे रहा है? ये बर्निंग कैंडल, राइट. सो द स्टिम्यूली इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर, द स्टिम्यूली इज कैरीड बाय अ सेंसरी न्यूरॉन टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपका ब्रेन है. ठीक है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ये गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? कुछ इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन से रिसीव करते हैं इंपल्स को कि किस तरह का इंपल्स आया है, क्या करना है. वो सोचता है, वो इवैल्यूएट करता है क्योंकि व्हाट आई एम सपोज टू डू, हाउ एम आई सपोज टू रिएक्ट. तो उसको पता चलता है कि अरे ये तो आग है, ये मुझे तकलीफ पहुंचाएगी, तो मुझे क्या करना है? हटाना है हाथ को. ये तुरंत क्या करेगी? इस मैसेज को रिले करेगी मोटर न्यूरॉन में. मोटर से क्या याद आता है? कि काम कर रहा है, कुछ मशीन टाइप ऑफ है. तो यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? ये जाएगा इफेक्टर मसल, इफेक्टर टारगेट ऑर्गन में. तो टारगेट ऑर्गन आपका क्या है? ये मसल है. ठीक है ये बाइसेप मसल है. तो ये क्या करेगी? बाइसेप मसल को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कराएगी. जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट की आपकी हाथ विल, योर हैंड विल मूव अवे फ्रॉम द बर्निंग कैंडल. सो दिस इज योर एंटायर रिफ्लेक्स सिस्टम, रिफ्लेक्स कंडीशन है ना. ओके परफेक्ट परफेक्ट वंडरफुल. सो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है यहाँ पे? ये क्या करता है? इट रिसीव्स receives stimuli from sensory receptor such as your skin and all. ठीक है such as skin ले लेते हैं. ठीक है skin ले लेते हैं. okay जी perfect. now ये relay हुआ. अब आप कहाँ पे गया? ये usually गया आपके relaying neuron पे, inter neuron पे. इसका काम क्या है? it is going to evaluate and interpret the stimuli और message. जो message उसको receive हुई है sensory neuron से, उसको evaluate करेगी. फिर ये क्या करेगी? It is going to send a response via motor neuron. तो ये response फिर कहाँ गया? To target organ. तो यहाँ पे target organ कौन है? Usually certain muscles, effector muscles. ठीक है तो ये आपकी तीन तरह की न्यूरॉन्स मैंने आपको बता दी यहाँ पे. ठीक है जी समझ में आया सबको? परफेक्ट परफेक्ट ओके नो प्रॉब्लम सारा. इट्स ओके नो प्रॉब्लम इट्स ओके डजंट मैटर डोंट वरी. वी हैव इफ यू हैव सब्सक्राइब टू नीड वॉयर चैनल इन द कम्युनिटी दे हैव पोस्टेड द टाइम टेबल एज वेल. ठीक है जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है आप कम्युनिटी में जाइए, नीट वॉयज के कम्युनिटी में उन्होंने एक पोस्ट किया हुआ है. उस पोस्ट में सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स, जो हम चार लोग हैं, हम चारों का अलग अलग टाइमिंग भी मेंशन है. तो आप वो एक बार देख सकते हो पोस्टर, आपको पता चल जाएगा. ठीक है आगे बढ़े. तो यहाँ पे मैं एक बार आपके सारे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में लिख देती हूँ. ठीक है सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में लिख रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ओके तो आपकी सबसे पहले आपकी सेंसरी न्यूरॉन थी. ठीक है तो सेंसरी न्यूरॉन का एक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? इट कैरीज इंपल्स फ्रॉम बॉडी रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है कोई एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग. हाँ जी समझ में आया. ओके सॉरी बेनाजी, हाँ आई फॉरगॉट योर नेम, हाँ यू टोल्ड मी. हाँ जी परफेक्ट. सो एग्जाम्पल लिख देते हैं आपकी ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व. ठीक है ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व
इज अ सेंसरी टाइप ऑफ न्यूरॉन. ओके, इसको हम लोग यूजुअली एफरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन. ठीक है, एफरेंट इफरेंट पाथवे आप पढ़ोगे ना. ठीक है, ओके, परफेक्ट. हेलो संपदा, हेलो. ओके, हेलो विष्णु. ओके, ऑल्फैक्ट्री क्रेनियल नर्व के अलावा और क्या हो सकता है यहाँ पे? एग्जाम्पल ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व. ठीक है, तो ये आपको दिखी अरे जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट. हाँ, जस्ट अ सेकंड, कहाँ लिख रही थी मैं? ओके, फाइन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, योर इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन. व्हाट डज दे डू इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन? दे रिसीव द मैसेज, सेंसरी मैसेज. ओके, एंड दे इवैल्यूएटेड मैसेज एंड इवैल्यूएट द टाइप ऑफ स्टिम्यूली रिसीव्ड. ओके, इवैल्यूएट द टाइप ऑफ स्टिम्यूली रिसीव्ड. ओके, परफेक्ट. देन आपकी क्या आती है? मोटर न्यूरॉन. ओके, मोटर न्यूरॉन. ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी, एफरेंट, बिल्कुल, इसको हम एफरेंट भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन है, इट इज गोइंग टू कैरी अ रेस्पॉन्स फ्रॉम सीएनएस, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द एफेक्टर ऑर्गन. ठीक है, एफेक्टर ऑर्गन. तो हम लोग मोटर न्यूरॉन को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन. ओके, फाइन. मोटर न्यूरॉन का एग्जाम्पल वी हैव ऑक्यूलो मोटर क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलो मोटर क्रेनियल नर्व, दैट इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए. ठीक है जी, बढ़िया, वंडरफुल. ओके, इंटर न्यूरॉन्स विल कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम एफरेंट एंड नॉट कैरी, दे रिसीव द मैसेज फ्रॉम एफरेंट न्यूरॉन, दैट इज सेंसरी, एंड विल सेंड इट टू नथिंग बट द मोटर न्यूरॉन. दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट व्हाट टाइप ऑफ स्टिम्यूली इज बीइंग रिसीव्ड. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट. ओके, यू हैव टू गो बैक एंड वॉच द वीडियो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. ओके, परफेक्ट. Now, this is about the entire neuron. Now, apart from neuron, I told you there are other type of cells also present, right, in a nervous tissue. What are those cells? I told you neuroglial cells and neurosecretory cells. So, let's talk about them. देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं. ठीक है, so let's talk about them. Okay, so let me change the color. Fine. So, first we are going to talk about the neuroglial cell. Okay, neuroglial cell. न्यूरोग्लियल का मतलब क्या होता है? यूजुअली ग्लियल मीन्स ग्लू लाइक, ग्लियल का मतलब होता है ग्लू लाइक. ओके, सो दे आर एडहेरिंग टू द न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन अकेला नहीं है, न्यूरॉन के आसपास बहुत सारे सेल है. ठीक ऐसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका न्यूरॉन है, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे और भी सेल्स है. वो सारे सेल्स नथिंग बट आपके न्यूरोग्लियल सेल्स और कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी है. ठीक है, ओके, तो न्यूरोग्लियल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, दो तरह के होती है डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन. एक आपका हो गया माइक्रोग्लियल सेल. ओके, माइक्रोग्लियल सेल. माइक्रोग्लियल सेल का काम क्या होता है? दे आर मैक्रोफेजेस. ठीक है, आपकी न्यूरल टिश्यू में जितने भी, अगर जो भी आपके डेड डेब्रीज, पैथोजेंस कुछ भी एंटर करते हैं तो उसको मिनिमल पैथोजन, उनको ये मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस शो करता है. तो वो क्या शो कर रहे हैं? आपकी फैगोसाइटोसिस. तो ये काम है आपकी माइक्रोग्लियल सेल्स की. ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट आपके आते हैं मैक्रोग्लियल सेल. तो ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं और इनकी फंक्शन भी अलग होती है. तो मैक्रोग्लियल सेल्स आपके कुछ टाइप्स ऑफ होते हैं. ठीक है, मैं वो टाइप्स आपको बताती हूँ. ठीक है, हाँ जी, परफेक्ट, यस, ओके. नाउ मैक्रो, माइक्रोग्लियल इज नॉट डिवाइडिंग, आई एम टेल यू हु इज डिवाइडिंग हियर. सो मैक्रोग्लियल सेल्स में कुछ टाइप्स होते हैं. नंबर वन आपका होता है एस्ट्रोसाइट. ठीक है, ये जो आपकी एस्ट्रोसाइट्स होती है ना, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ. ठीक है, जरूरी यहाँ पे एक्चुअली यूजुअली पूछते नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि एस्ट्रोसाइट, क्योंकि किसी ने मुझे अभी पूछा ना कि वो डिवाइड करते हैं नॉन, डिवाइड नहीं बेटा, एस्ट्रोसाइट जो होता है ना, यही एक सेल है जिसकी रिपेयर प्रॉपर्टी है, स्कारिंग करता है, स्कारिंग प्रोसेस में हेल्प करता है. स्कारिंग प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्रेन ट्रॉमा वगैरह हुआ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो लाइक ब्रेन टिश्यू वगैरह डैमेज हुई, तो ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है, ये कुछ
पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू को वो रिपेयर कर सकता है। पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू मतलब क्या, ये माइक्रोग्लियल सेल्स सपोज कुछ मर गए उनको वो दोबारा प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ और मैक्रोग्लियल सेल्स है जैसे आपकी ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है इसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये स्कारिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, पूरा का पूरा न्यूरॉन नहीं बना सकता है, अगर कुछ थोड़ा बहुत पार्ट डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको रिपेयर करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि न्यूरॉन कभी भी रीजेनरेट नहीं होते आपके न्यूरॉन्स, है ना। सो दिस इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स भी एक और तरह के मैक्रोग्लियल सेल्स होते हैं जिनको एस्ट्रोसाइट्स स्कारिंग प्रोसेस में भी उसको भी बना सकता है। ठीक है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का एक और काम होता है, उसका काम क्या है कि इट प्रोड्यूसेस, ध्यान से देखो, इट प्रोड्यूसेस माइलिन शीथ। अभी हमने एक और सेल के बारे में पढ़ा था ना जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है। माइलिन शीथ किससे बनी होती थी, लिपिड लेयर से, बहुत सारी लिपिड लेयर है वो। तो माइलिन शीथ शॉन सेल भी प्रोड्यूस करता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट भी प्रोड्यूस करता है, बट शॉन सेल माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, याद रखो इस बात को। ऑलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूसेस माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS में आपकी ऑलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है, याद रखोगे ये CNS कौन, ऑलिगोडेंड्रोसाइट। PNS में ऑलिगोडेंड्रोसाइट नहीं करता है, उसमें शॉन सेल्स करता है। ठीक है, एक और तरह का सेल होता है आपके मैक्रोग्लिया में, दैट इज नथिंग बट योर एपेंडाइमल सेल। ये जो एपेंडाइमल सेल है ना, इसका काम क्या है, इट यूजुअली प्रोड्यूसेस CSF। CSF क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपकी एपेंडाइमल सेल सिक्रीट करती है, प्रोड्यूस करती है, एंड हेल्प्स इन इट्स सर्क्यूलेशन। ठीक है, उसकी आपकी CSF ब्लड की तरह ही है, उसको भी मूव करना होता है, इट्स जस्ट लाइक लिम्फ, लिम्फ के जैसे उसकी कॉम्पोजिशन है, तो वो भी सर्क्यूलेट होती है आपकी पूरी ब्रेन वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कनाल में, तो वो भी आपकी सर्क्यूलेट हो रही है, तो हेल्प्स इन इट्स सर्क्यूलेशन। ओके, हेल्प्स इन इट्स सर्क्यूलेशन। ओके, सो ये आपकी कुछ काम है। एस्ट्रोसाइट का एक और काम भी है, तो ये स्कारिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरी हेल्प्स इन स्कारिंग प्रोसेस। ओके, हेल्प्स, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, ये मैं मिटा के लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। चलो, ओके, सो इट हेल्प्स इन रिपेयर लिख देती हूँ। ठीक है, इन रिपेयर, और इट ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, प्रोवाइड्स इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या है, अभी हमने ये स्ट्रक्चर देखा आपका, सपोज ये यहाँ पे न्यूरॉन है। ठीक है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से अलग करने के भी यहाँ पे आपके एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहाँ पे एक और न्यूरॉन है आपका, ठीक है, एक और न्यूरॉन है एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट है, तो इंसुलेट करती है ताकि यहाँ से यहाँ पे ना चला जाए आपका क्या, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, इट डजंट फॉर्म द कोरोइड प्लेक्सस, हिमांशु, इन कोरोइड प्लेक्सस एपेंडाइमल सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, परफेक्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दी स्ट्रक्चर्स इन डिटेल्स इन दैट चैप्टर, दैट इज योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, आज हम सिर्फ न्यूरल टिश्यू पढ़े क्योंकि हम लोग एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर कर रहे ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो सबको ये समझ में आया, ये जो सारे सेल्स है, लास्ट एक और सेल है जो मैंने न्यूरोसिक्रेटरी सेल इसमें लिखा है, दे यूजुअली प्रोड्यूस हॉर्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके लाइक हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई है, पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, हमने ये पढ़ा था एक दिन, है ना, पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं, बहुत सारे साइटोन ऑफ द न्यूरॉन, सपोज ये न्यूरॉन का एक साइटोन है, एक और न्यूरॉन का साइटोन, सपोज यहाँ पे एक और न्यूरॉन का साइटोन है, यहाँ पे एक और न्यूरॉन का साइटोन है। ठीक है, साइटोन सारे एक साथ एक्यूमुलेट होकर बनाते हैं आपकी एक न्यूक्लियाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है, हार्मोन हुई ना ऑक्सीटोसिन। फिर आपका सुप्रा ऑप्टिक भी है, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक, ये क्या प्रोड्यूस करती है, ADH। ठीक है, फिर आपकी GnRH भी कुछ आपकी हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, परफेक्ट, यस, एस्ट्रोसाइट्स ऑल्सो प्रोवाइड ब्लड ब्रेन बैरियर, एब्सोल्युटली राइट। तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उस चैप्टर में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नर्वस टिश्यू। ठीक है, हमने न्यूरल टिश्यू पूरा पढ़ लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप दोबारा जाके इसको पढ़ लो, ठीक है, एक बार देख लो सारे वीडियोस को वापस रिवाइंड करके, एंड बेटा सारे इसके नोट्स मैंने दिए हुए हैं, आई डोंट नो क्यों अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, मैंने ड्राइव में वो दिए हुए हैं,
आई होप कुछ दिनों में हो जाएगा, मैं एक बार बात करती हूँ, ठीक है? हाँ जी ठीक है। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बेटा एंड में होगा, हम लोग सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, ठीक है? जैसे हमने एनिमल किंगडम कर लिया 2020 के लिए, एनिमल किंगडम के बाद हमने आपकी एनिमल टिश्यू शुरू कर दी, ये खत्म होने के बाद हम कॉकरोच पढ़ेंगे, कॉकरोच खत्म होने के बाद हम लोग फिर से सारे रेस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजी के। ओके हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम में नहीं, पीडीएफ यूजुअली हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो करते हैं, मैंने डाला हुआ है बट लाइक यूट्यूब में अभी तक आया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, आई विल टॉक अबाउट दिस टू द अथॉरिटी, डोंट वरी, ओके मिल जाएगा आप सबको। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूरल टिश्यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है? ओके एंड 5 o'clock बेटा आपका स्पेशल क्लास है, मैं फिर से बता देती हूँ, ऐप में स्पेशल क्लास है तो यू गाइस कैन कम देयर, ठीक है? एक बार वहाँ पे आओ 5 o'clock, मैं कंटिन्यू करूँगी 11th का जो पोर्शन चल रहा है ना, 2022 वाला जो पोर्शन चल रहा है, हमने कल लिवर एंड पैनक्रियास का पूरा स्ट्रक्चर देखा था, उसका फंक्शन देखा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का हम पढ़ेंगे, कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसके सारे हॉर्मोन्स, उसके एंजाइम्स, सब कुछ, लोकेशन ऑफ ऑल द सेल्स, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगी वहाँ पे। जाने से पहले अगर आप लोग स्पेशल क्लास में आने वाले हो, अगर अभी तक आपने अगर ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्लिक कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद प्लस में जाइए, प्लस स्पेशल कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आप नीट 2020 के लिए है तो आप ये 3 ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि लाइक ये आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल होगी, है ना, 1 month का ले लो, 3 months का ले लो, क्योंकि आपकी अभी एग्जाम है। जो लोग 12th में है वो ये वाला ले सकते हैं, 1 year वाला, जो नेक्स्ट ईयर देने वाले, जो 2 साल बाद देने वाले हैं वो 24 months वाला ले सकते हैं, उसका तो प्राइस और भी कम है, 1500 पर मंथ है, ठीक है? बहुत ये अफोर्डेबल है, इससे भी कम हो जाएगा अगर आपने जो भी आपने प्लान लिया उसके लिए आप एक बार बस स्वागत है SWAGATA, इस नाम को एज अ कोड अप्लाई कर दीजिए तो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? ओके परफेक्ट, नहीं आरएच फैक्टर नहीं है आज बेटा, मैंने बोला ना हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आरएच फैक्टर का मैं एक दिन करूंगी, अभी मैं सीक्वेंस तोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए वो मैं एक दिन ऐसे रैंडमली कभी एक क्लास रख दूंगी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी टाइमिंग एंड एवरीथिंग। ओके तो सी यू ऑल एट 5 o'clock ऑन द ऐप एंड अगेन 7 o'clock बैक हियर ऑन यूट्यूब। यस फ्राइडे देयर विल बी अ मेंटी, द टॉपिक इज जस्ट अ सेकंड, आई फॉरगॉट द टॉपिक, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ टाइम, आई रिटन इट समवेयर, I'll tell you. Okay. Yes, I think it's going to be animal tissue because we have ended this chapter, right? So I'm going to take mentee of animal tissue on Friday. The timing will be 8:30 to 9:30 most probably. Okay. Okay. Chalo guys. Take care all of you. Hanji. हाँ बिल्कुल, बताया ना मैंने टेलीग्राम ऐप का, मैं फिर से एक और बार दिखा देती हूँ आपको टेलीग्राम ऐप का लिंक क्या है, जस्ट अ सेकंड मैं दिखा देती हूँ टेलीग्राम ऐप का लिंक, ये है टेलीग्राम ऐप का लिंक, ये है आप देख सकते हो। ओके परफेक्ट, यस एट नाइट इट विल बी एट 8:30 to 9:30 ऑन फ्राइडे एंड 5 to 6 ऑन मंडे, दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ मेंटी, रेस्ट ऑफ टाइम आई विल बी बिजी विद अदर क्लासेस सो आई कांट टेक इट। ओके perfect, so see you guys at 5 o'clock, this is the channel name for telegram group app, you can just click or just type this particular address and then you'll get join option, you can join our group then. Okay guys, okay so see you all at 5 o'clock then, take care, stay safe, bye.